अटल जी अडवाणी जी का जो युग था ना वो तो प्योरिटी का युग था, जब तो भारतीय जनता पार्टी प्योर हुआ करती थी। आज जो मोदी सेंट्रिक बीजेपी है वो कॉस्मोपॉलिटन नेचर की हो चुकी है। सब जगह से कांग्रेस जी जी बोलो 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 बोलो। वैसे वैसे एक बात बताइए सर, और बिना देखे नाना पटोले कहाँ से इम्पोर्ट किया आपने, आपके प्रदेश के अध्यक्ष कहाँ से आए नाना पटोले, जरा एक बार बताइए। अब बीच में आप अपने ही नियम को तोड़ रहे बोला कांग्रेस की बात। दूसरी बात ये है, आपने क्योंकि अभी नियम नहीं तोड़ा मैंने कांग्रेस, सुनिए ना आप, सुन तो लीजिए। मैंने आपको एक बाला साहेब ठाकरे जी का एक अमर वाक्य बताया, उस अमर वाक्य पे तो आपने बताया नहीं कुछ। हमारे लिए सबके लिए तो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे सबसे बड़े है ना महाराष्ट्र में, तो एक बार बताइए आपके विचार क्या है उस वाक्य पर। क्या कहा था उन्होंने गुजरात के लिए? सर गुजरात के टाइम क्या कहा था? उत्तेजित नहीं होना है वरुण जी, उत्तेजित नहीं होना, आखिरी बात कह रहा हूँ। अभी आपने डी कंपनी की बात की, तो डी कंपनी से याद आया कि कल शिंदे जी ने कुछ बोला। शिंदे जी कल अफजल गुरु को आतंकी नहीं बोल पाए, और यही तो कांग्रेस का भी चरित्र है। देखिए ना, वड़त्तीवार आपके एलओपी है महाराष्ट्र में, वो बोलते हैं करकरे जी को कसाब ने नहीं मारा, हिंदू पुलिस वालों ने मारा। फिर आपके उन दूसरे नेता बाटला के लिए रोते हैं, कौन है वो नेत्री बाटला के लिए रोने वाली, आपको याद है ना? याकूब मेमन के लिए कौन पैरवी करता है? असलम शेख। एमआईएम के साथ आपने केसेस वापस लेकर एमआईएम में गठबंधन करना चाहते हो, तो ये आपका चरित्र है। वरना बोलो सुशील कुमार शिंदे गलत थे, क्यों नहीं वो अफजल गुरु को आतंकी बोल पाए? और यही कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस आतंकियों के साथ नहीं थे। ओके, पीडीपी पर जवाब दे, उससे पहले पीडीपी के साथ नहीं थे आप। वरुण जी एक सेकंड, मैं ये बात आपसे भी पूछूंगी। सुशी बहन जस्ट गिव मी वन मिनट। हाँ, अजीज खान इसका जवाब देंगे। अजीज भाई, ये सारा जो खेल है वो वोट बैंक का खेल है, और इसी वोट बैंक के चक्कर में हिंदू मुसलमान 80-20 और महाराष्ट्र में भी अब ये होता हुआ नजर आ रहा है कि आतंकवादियों का भी समर्थन देने से गुरेज नहीं कर रही। देखिए रूबिका जी, आप इस बात को समझिए कि ये वही बीजेपी है कि अभी थोड़े दिन पहले इतना बड़ा कांड हुआ है महाराष्ट्र में, इतना बड़ा कांड हुआ, इतना बड़ा मर्डर हुआ है, और एक शख्स जो गुजरात में साबरमती जेल में बैठकर करा रहा है, ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं साहब, लॉ एंड ऑर्डर के दावे कर रहे हैं, जो पूरे देश में नेक्सस चल रहा है उसको ये कमांड नहीं कर रहे, एक जेल में बैठ करके वो शख्स नेक्सस चला रहा है, एक शख्स का मर्डर हो जाता है और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही, इनके पार्टी के अपने लोग वो सुरक्षित नहीं है, और उसके बाद ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। हकीकत ये है कि आज जो बीजेपी है वो सिर्फ नैरेटिव सेट कर रही है। पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर सिर्फ माहौल खराब है। आप उत्तर प्रदेश में ले लें, किस तरह अभी इनके एक विधायक ने खुद ही FIR करवाया कि बहराइच में जो दंगा हुआ है वो बीजेपी के लोगों ने करवाया, इनके बीजेपी के विधायक ने, जो बहराइच के विधायक, उन्होंने FIR कराया है कि हमारे लोगों ने दंगा करवाया है, बीजेपी के लोगों ने दंगा करवाया है। अब हकीकत यह है, ये तो बेनकाब हो रहे हैं। अब किसी भी प्रदेश में ले लें, देश में ले लें, आज हालात पूरी तरह से बद से बदतर, बहुत सोच समझ के किया कीजिए। वहां दंगा नहीं हुआ है, वहां एक बेकसूर शख्स की हत्या हुई है। इस हत्या को आप दंगे का नाम मत दीजिए। जब आप दंगा करते हैं ना तो फिर कहते हैं कुछ हमारे मरे, कुछ उनके मरे, कुछ हिंदू मरे, कुछ मुसलमान मरे। बहराइच में दंगा नहीं हुआ है, बहराइच में एक शख्स को गोली मारी गई है, बहराइच में जो लोग जुलूस निकाल रहे थे उनमें से एक को निशाना बनाया गया है और उसके सीने को छलनी कर दिया गया है। दंगा नहीं हुआ है अजीज भाई, बी वेरी क्लियर। देखिए रूबिका जी, हम यही बात तो आपको बताना चाहते हैं कि एक एक शख्स राम गोपाल मिश्रा जी की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई, कैसे हो गई? वो भी हमारे अपने हैं, वो भी हमारे अपने लोग हैं, ना यहाँ हिंदू है कोई ना मुसलमान है। अगर नुकसान हो रहा है चाहे हिंदू का या मुसलमान का, तो वो हमारे सब अपने, हमारे हिंदुस्तानी है, हमारे अपने भाई है। वहां जिस तरह से आगजनी हुई, जिस तरह से गाड़ियां जलाई गई, एक शख्स की हत्या हो गई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हमारे सारे लोग अपने हैं। थोड़ा समय और सुजी जी को भी बोलना प्लीज। अजीज जी, जब पहले दिन ये घटना हुई और हमारे भाई को गोलियां मार के 25-26 छर्रे उनको लगे, तब पता है एसटी हसन का पहला बयान, मस्जिद के पास डीजे म्यूजिक क्यों बनाया, उकसाया क्यों, मतलब उन्होंने जस्टिफाई किया।
और इसका मतलब वो दंगाइयों के साथ, जो दंगाई तो नहीं है वो अपराधी और हत्यारे हैं, उनके साथ सुरक्षा कवच बनकर कौन खड़ा था? और आज तक आप बता दीजिए कि राम गोपाल मिश्र की माँ से या बीवी से कौन मिलने गया समाजवादी पार्टी का नेता? पर छोड़ देते हैं, मैं आपको केवल लास्ट चीज बताना चाहता हूँ कि आतंकियों की समर्थन की बात इनसे पूछ रहे हैं, ये है अबू आजमी। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। याकूब मेमन की जमानत की पैरवी अबू आजमी कर रहे थे, ये आतंकवाद पे बोलेंगे? इनके नेता ने मुस्लिम आतंकियों को छोड़ा तो हाईकोर्ट ने बोला पद्मश्री भी दे दो भाई इनको, इनसे पूछ रहे जिन्होंने सिमी की पैरवी की है। तो अजीज खान से ये पूछना मतलब ओसामा से अमन शांति के बारे में पूछना या रेगिस्तान में पानी के बारे में पूछना। अजीज भाई जवाब दीजिए। देखिए यही रूबिका जी मैं कह रहा हूं, ये बात को इधर उधर डाइवर्ट करते हैं, ये मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। हम कह रहे हैं कि जिस तरह पूरे देश में माहौल किस तरह कहीं ना कहीं सेंसिटिव है उस पर जवाब नहीं देंगे। जो हत्या हुई महाराष्ट्र में, कैसे हत्या हुई इसके बारे में एक शब्द नहीं बोले। कैसे हत्या हो गई, इतने बड़े हत्या का अंजाम दे दिया गया, उस पर एक शब्द नहीं बोले। और इधर उधर की पता नहीं कौन कौन से ऑडियो और वीडियो सुना रहे हैं। हकीकत यह है कि आज बीजेपी जहां जहां है वहां पर ये वहां इसके लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यहां तक कि जो लोग जेल में बैठे हैं, जेल में बैठ करके वो इस तरीके से पूरे देश में आतंक का माहौल पैदा कर, इस पर बीजेपी नहीं बोली। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर और उसकी गैंग को लेकर तो तरह तरह के मीम बनने लगे हैं, लोग मजाक भी उड़ाने लगे हैं, कह रहे हैं घर में सब्जी में नमक कम होना सुजी बहन, तो इसकी जिम्मेदारी किसने ली? लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। घर में कपड़ा सुखाया था वो सूखा नहीं, नीचे उसको गीला ले आए, इसकी जिम्मेदारी किसने ली? लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। ये हो गया है। देखिए एक मैं बताऊं, बाबा सिद्दीकी जी की जो मौत हुई वो एक दर्दनाक मौत हुई और उसके लिए इंक्वायरी भी सेट हो गई, इट वाज एन एक्सेप्शन। आज भी महाराष्ट्र और मुंबई सबसे सेफेस्ट सिटी है, अब मानो या ना मानो, बीजेपी वाले नहीं मानेंगे, सॉरी अपने एनडीए वाले नहीं मानेंगे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको जो एक दर्दनाक हादसे को पोलिटिसाइज करना है, मुझे ये जवाब दीजिए कि जब महाआघाड़ी बिगाड़ी सरकार थी तब उनके खुद के होम मिनिस्टर उसके मरखंडी के आरोप थे, वो खुद जेल में गए थे, आप भूल गए वजह? जो वजह को एक ब्लैक लिस्टेड पुलिस ऑफिसर था उनको हमने बरतरफ किया था, जो फडणवीस साहब सीएम थे। आपकी आवाज से ज्यादा मुझे फोन की आवाज आ रही है, देख लीजिए किसी गैंग वैंग का फोन तो नहीं है? नहीं, क्योंकि अब इतनी बेबाकी से आप बोल रही है, क्या भरोसे? गलत नहीं है वो, क्या भरोसे? नहीं, मुझे इतना ही कहना है कि ये जो मैंने बात की, अपनी होम मिनिस्टर गए थे जेल में अगाड़ी बिगाड़ी सरकार में खंडनी के आरोप में, वजह का भूल गए क्या? वजह को हमने निकाला था देवेंद्र फडणवीस जब चीफ मिनिस्टर थे, तब किसने वापस लिया उनको? उनको लिया वापस चीफ मिनिस्टर उद्धव साहब ठाकरे ने। वजह ने क्या किया? मनसुख हिरानी एक बिजनेसमैन था, उनको उड़ा दिया, उनका एनकाउंटर कर दिया, तब क्या जवाब सवाल पूछा? एक नामचीन इंडस्ट्रियलिस्ट, पूरे भारत वर्ष के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के नीचे उन्होंने बॉम्ब रखा था, तब कुछ किया क्या आगाड़ी बिगाड़ी ने? आप ये भी सुन लीजिए कि जब नक्सलवाद चरम सीमा पर था नागपुर में और वहां गोंदिया के इलाके में, खराब था। अभी तो देखिए महाराष्ट्र के चुनाव और झारखंड के चुनाव को लेकर खूब माथापच्ची होने वाली है, लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त टेंशन बहुत हाई है, राजनीतिक टेंशन की मैं बात कर रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।